नामांकन करने गए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। ब्लॉक प्रमुख पद का जनपद में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। नामांकन के दौरान इटवा ब्लॉक में नामांकन के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माधव प्रसाद पांडे ने अपनी पत्नी के साथ जैसे ब्लॉक गेट पर उतरे उसी समय भाजपा समर्थित प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं के द्वारा माता प्रसाद पांडे पर ईंट व पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया गया और उनके गाड़ी का शीशा टूट गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद जनपद के समस्त सपा नेता एकत्रित हो गए और माता प्रसाद पांडे को सुरक्षित उनके आवास तक ले जाने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे तक गेट पर हजारों की संख्या में खड़े रहे। माता प्रसाद पांडे जैसे पर्चा दाखिला करके जांच करा कर निकले। फिर से अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत की मौजूदगी में भाजपा समर्थित प्रत्याशी के समर्थकों ने फिर ईंट व पत्थर से हमला बोल दिया और वहीं पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। सपा के कद्दावर नेता जमील सिद्दीकी ने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे इतने वरिष्ठ नेता पर हमला घोर निंदनीय एवं लोकतंत्र की हत्या है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। यह भी कहा कि भाजपा सत्ता में आने से पहले जो नारा दिया था कि अपराध मुक्त उत्तर का प्रदेश होगा, इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी द्वारा उत्तर प्रदेश को अपराध युक्त प्रदेश बना दिया गया है। इस मौके पर माता प्रसाद पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने स्थानीय विधायक व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे ऊपर जो हमले हुए वो सतीश द्विवेदी के इशारे पर हुए हैं। अब की बार 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता जरूर जवाब देगी। इस पूरे मामले पर आला अधिकारी कुछ भी बोलने से साफ मना कर रहे हैं। टीवी इंडिया 18 न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ अनुपम पांडे के साथ जिला संवाददाता रामधनि चौधरी की रिपोर्ट। और वो शैलेश सौरभ श्रीवास्तव और क्या नाम है नीलम मिश्रा हमारे साथ आ रहे हैं। हम शांतपूर्ण ढंग से आए, जैसे हम उतरे तैसे इनके गुंडे हम लोगों पर कूद पड़े और इनको मार के पर्चा लिए थे। हमारे बहुत छीना झपटी हुई लेकिन मार के इनका कमर पकड़ के छीन और उसको फाड़ के फेंक दिया। फिर बड़ा धक्की मुक्का हुआ, मारपीट हुई। यहाँ इंस्पेक्टर इटवा सीओ साहब सारी फोर्स खड़ी थी, गाड़ी हमारी वहाँ कोई विवाद नहीं, गाड़ी से उतर के आया, गाड़ी भी मेरी पूरी तोड़ दी। और ये सब जो हो रहा है ये यहाँ स्थानीय मंत्री के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि ये इस चुनाव में हार रहे हैं और ये भय पैदा कर रहे हैं कि मतदाता यहाँ वोट डालने ही ना आवे इनके गुंडई के नाते। लेकिन हम इस गुंडई का जवाब शांतपूर्ण ढंग से देंगे और लोगों से अपील करेंगे अभी शांत रहें, 10 तारीख को वोट हो जाने दें। तो जिन लोगों ने मारपीट की है वो चिन्हित है, वो भाग के कहाँ जाएंगे, उनको भी गांव में रहना है। और गांव में जब रहना है तो उनको भी या तो शांतपूर्ण ढंग से रहना है नहीं तो फिर मुठभेड़ होगी। और मैं मंत्री जी से भी निवेदन करूँगा, इस तरह की गुंडई से अब आप जाने वाले हो, आपका इस क्षेत्र से जाना सुनिश्चित कर दिया आपने, गुंडई कराई। जनता के बीच में आओ और लड़के आपकी जीत के जाओ तो पता चल जाए उनको जो है। अगर हम चाहें हम लोग भी अगर बहुत गुंडई करेंगे हम उन्हीं को घेरेंगे और देखें पुलिस उनकी कितनी रक्षा कर पाती है। हम साथ दूर ढंग से उन्हीं को घेरेंगे, डामंगलों को घेरेंगे और उनके गांव में भी जाके घेरेंगे। अगर इस तरह के गुंडे और ये जो गुंडे हैं ना यहाँ ये 3 पैसे के हैं, इनकी औकात जानता हूँ, मैं इनको ठीक कर दूंगा, इनको मैं ठीक कर दूंगा। और पुलिस अधिकारियों से हरिशन साहब कहाँ है, चले गए सर। और अगर ये जाते समय कोई गुंडई किए ना तो हम और कुछ नहीं करेंगे, फिर तो हमारी लड़ाई आप लोगों से होगी या तो उनको रोकिए डंडा लेके बैठे हुए हमारे आदमी आएंगे तो ये भाग जाएंगे, हमारा तो एक मोटा आदमी मार देगा दो लाठी तो मर जाएंगे। हुआ है क्या है मामला? देखिए बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग तो नौजवान है, 25 साल से सियासत कर रहे हैं और 25 साल के सियासती जिंदगी में ये पहली बार देखा कि जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे का विधानसभा अध्यक्ष रहा हो, दो दो बार रहा हो, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो और ब्राह्मण सिरोमणि के रूप में पूर्वांचल में जाने जाते हैं और हर कोई उनका सम्मान करता है,
उनके हाथ से और प्रशासन के मौजूदगी में पर्चा छीनना ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शर्मसार किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और मुझे तो शर्म आती है मुख्यमंत्री पर कि एक मंदिर के मथा ढीठ होते हुए उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जो जनता ने दी थी उसको उन्होंने गिरा दिया है और उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। अगर उन्हें जनता पे विश्वास होता तो उन्होंने नारा दिया था चुनाव में आने से पहले कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, अपराध मुक्त सरकार, लेकिन उन्होंने ना तो भ्रष्टाचार मुक्त किया बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि शासन और प्रशासन को भ्रष्टाचार युक्त कर दिया है। पुलिस के बल पर वो खुली गुंडई कर रहे हैं। मुझे आज की इस घटना पे निंदा करते हुए भी शर्म आ रही है कि उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि माता प्रसाद पांडे जी सबसे वरिष्ठ लीडर हैं और अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव उन्होंने देखा है और उनके हाथ से पर्चा छीनना निहायत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। मैं इसकी जितनी भी निंदा करूँ वो कम।